कर रहे हो किचन में? मैं आपके साथ फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट बनाने लगी हो? क्यों? ताकि मैं रोज़ा कर ले, ताकि यूज़र कई हूँ मैं। ओके। तो किस लिए तू नहीं है? चाय को बाहर। चल। ये दो मैं करूँगी। आप जूस बनाओ। मैं। सीड्स भी हैं। आप क्या करोगे? मैं तो वो भी तो पाई। वहाँ वीडियो मेरे पास करो। आप वीडियो आपके पास करूँ? क्यों? इसे मैंने बाहर पार्क करना है। आप वैसे सुना दो। नहीं। क्यों? करो ना। चलो करो। आप इस तरह करो, आप ये मुझे बनाना छील दो। मैं मम्मा पे ये सोसे स्वाद करती। सैनिटाइजर बेटा, घर में हमने हाथ धोए हैं। नहीं, मुझे जरासीम नहीं आती। नहीं, जरासीम नहीं आएंगे। हमने ना हाथ धो लिए हैं। पाक पाक से। और पाक सेफ कार्ड से धो लिए हैं। मम्मा। जी बेटा। हम पाक पाक से ये भी करते हैं। सैनिटाइजर भी लगाना होता है। मुझे नहीं लगाने का भी। आप खुद लगा लो बेटा। नहीं, मैंने और आपी ने हाथ धोए थे। मैंने भी तो थी। हाँ, चलो फिर इसको रख दो। आपने ये मुझे छील के देना। हाँ जी। चलो आप ये छीलो। मुझे तो आता तो है। तू ये? अब मैं पुक्के था, अब इसे तीजो। अच्छा चलो लो। मेरा हो गया, मैं पुक्के। हाँ, गुड गर्ल। इसको साइड पे रख दो। अब ये वाला कर दो। मम्मा। जी बेटा। वो तेको। क्या? तो एको इसे कट कर। थोड़ा सा कट। मैं नहीं, थोड़ा सा कट करती हूँ ना, फिर आपसे छीला जाएगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज किचन में मेरे साथ मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। इस साल बच्चे जो हैं वो रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं और बच्चों की दादा बू और दादो भी आई हुई हैं, तो रमज़ान का ना इस दफ़ा अलग ही मज़ा आ रहा है। पहले जब स्कूल के दिनों में रमज़ान आया था पिछले साल में, तो बच्चों को मुझे 8 बजे सुलाना पड़ता था और सहरी जो है वो सॉरी इफ्तारी जो है वो होती थी तकरीबन 8:45 बजे तक। तो छुट्टी वाले दिन बच्चे जागते रहते थे, लेकिन आम दिनों में मैं सुला देती थी। तो इस बार बच्चे जो हैं वो हमारे साथ साथ ख़ुद भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं रमज़ान को। बच्चे किचन में हेल्प तो कम करवाते हैं, साथ में काम जो है वो बढ़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बच्चों के साथ इस तरह मिलके कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। इससे कहते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस पता नहीं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन काम हमारा ज़रूर बढ़ जाता है। तो खैर, फ्रूट चाट जो है उसको मैं बना के तो फ्रिज में रख दूँगी ताकि इफ्तारी से पहले ठंडी हो जाए। हाँ जी, मैं कल थोड़ा फ्रेश होके ना, थकावट कम होती है तो फिर जाती हूँ किचन में। क्या कहती हैं बड़ी आंटी? आज मैं इफ्तार के लिए बना रही हूँ चिकन रैप्स। बड़ी मज़े की ये झटपट सी रेसिपी है, और मज़े की बात यह है कि ये स्नैक भी है और मील भी है। और जिस तरह जब हम घर में पिज्ज़ा बनाते हैं तो हर बंदे की अलग अलग पसंद का बन जाता है ना, टॉपिंग्स जो अपनी पसंद से ऊपर डाल सकते हैं, इसी तरह रैप्स में भी बेसिक चिकन जो है वो आप एक बना लें तो बाकी जो चीज़ें डालनी होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 250 ग्राम चिकन था। इसकी मैंने बारीक जैसे स्ट्रिप्स होती हैं उस तरह से काट ली थी। इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो टोमेटो पेस्ट के डाले थे।
एक टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने ओरिगैनो का डाला था, एक टेबलस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर का डाला था, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने गार्लिक पाउडर का डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली थी, और एक टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसके अंदर नमक का डाला था और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाला था। इसको अब मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाला था, एक दो टेबल स्पून सिर्फ। तो इसको मैंने मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए रखा था, 15-20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि बोनलेस चिकन है इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रख लें 1-2 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर जल्दी भी हो तो फिर भी अच्छा बन जाता है। तो इसको मैंने तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद प्री हीट किया हुआ था अवन, उसके अंदर मैंने रख दिया था हल्की आंच पे। इसको आप पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अवन के अंदर जब इसको बेक करके बनाती हूँ तो बहुत अच्छा और सॉफ्ट और जूसी चिकन रहता है। तो जितनी देर में अवन में बेक हो रहा है चिकन, उतनी देर में मैं सैलेड काट लूँगी। मैंने खीरा लिया है इसके लिए, आइसबर्ग लेटस लिया है और टमाटर लिया है, और इसको गोल गोल मैंने कतलों की तरह काट लिया है। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आपको जो चीज़ पसंद है वो डाल लें। मैंने हलापीनियोज़ भी रखी थी, जो सिरके वाली हरी मिर्चें होती हैं वो भी इसके अंदर अच्छी लगती हैं। चिकन क्योंकि बोनलेस है और छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं इसके, तो ये जल्दी तकरीबन आधे घंटे में ये हो गया था। तो जब ये हो जाए इसको निकाल के इसको मैंने बाहर रख लिया था। अब जो रैप्स हैं उनको मैं असेंबल कर लूँगी। तो एक रैप को मैंने लेके उसको आधा कट करना है सेंटर तक, इस तरह हाफ जो है उसके ऊपर कट लगा के। तो अब आप सर्कल के समझ लें कि जैसे चार हिस्से होते हैं ना, तो मैं इसको सेंटर से अगर आप उसको काटते हैं दो तरफ से, तो आपने खैर पूरा नहीं कट करना, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी है कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये पॉकेट सी बन जाए। तो मैंने टमाटर लगाए हैं, उसके बाद मैंने जो आइसबर्ग लेटस होती है वो लगाई है, उसके बाद मैंने चिकन के जो स्लाइसेस थे वो रख दिए हैं इसके अंदर, और सॉस जो है वो कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगा ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो दही की चटनी होती है धनिया पुदीने वाली, वो मेरे बच्चों को पसंद है, मैंने वही लगा दी थी, लेकिन इसको आपको जो सॉस अच्छी लगती है वो लगा लें, केचप अच्छी लगती है तो वो लगा लें, मेयो पसंद है तो वो लगा लें। अब इसके जो स्लिट वाला हिस्सा है उसको उठा के तो मैं इसको रैप कर दूँगी। अब इसको इस तरह से रैप करके तो तवा जो है मैंने इसको गरम किया है, उसके ऊपर बटर डाला है, और इसको मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है वो पका लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसके अंदर करें, उसमें ज़रा देखने में खूबसूरत सा लगेगा। मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने जो हमारा नॉर्मल पराठा बनाने वाला तवा होता है उसी के ऊपर ही मैंने इसको बना लिया था। बच्चों को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने पहले बच्चों का बना के रख उनको दे दिया था। अब जो है वो मैं बाकी सारे प्रिपेयर करके रख लूँगी, और जब इफ्तार शुरू होने लगेगी तो उस टाइम फिर मैं इसको जल्दी से तवे के ऊपर ऐसे सेक के तो फिर मैं सर्व कर दूंगी। जो बाकियों के लिए मैं बना रही हूँ वो उसमें मैं हलापीनियो भी डालूँगी और चीज़ भी डालूँगी। तो वही जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक रैप मैंने बनाया था केचप लगा के, एक मैंने बनाया था चिली सॉस लगा के, और एक मैंने बनाया था मेयो लगा के। अच्छा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस रैप के अंदर चीज़ होती है उसको आपने बहुत हल्की आंच पे सेकना होता है, क्योंकि चीज़ें वैसे तो सारी पकी हुई होती हैं, लेकिन अगर आप हल्की आंच पे उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फिर ही चीज़ मेल्ट होगी, नहीं तो चीज़ जो है वो उसी तरह जो है वो साबित ही रहेगी। तो मेल्ट हुई भी चीज़ का ही मज़ा आता है।
और आज ड्रिंक मैंने बनाया था सिकंजबीन, बड़ा ही कोई संगीन किस्म का नाम है इसका वैसे, लेकिन जायका अच्छा होता है। तो मेरा ख्याल है कि सबको ही बनानी आती है। पानी के अंदर मैंने लेमन डाला था, चीनी डाली थी, नमक डाला था और इसको मिक्स करके मैंने रख दिया था। और पकौड़ों की रेसिपी आज मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वो रोज़ बनते हैं, तो रोज़ हर ब्लॉग में दिखाना जो है वो फिर एक जैसी चीज़ हो जाती है, इसलिए आज मैं आपको नहीं दिखा रही, वरना पकौड़ों के बगैर हमारे घर में इफ्तारी नहीं होती। ये थी आज की वीडियो, आप भी ये रैप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।